गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक न्यू व्लॉग लेकर आपके सामने आए हैं और अभी टाइम हो रहा है 12:30। आज जिदान स्कूल नहीं गया, उसका तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है और काफ़ी बारिश हो रहा है, तो इसीलिए सोचे आज जिदान को स्कूल नहीं भेजेंगे। और देखिए अभी इसीलिए थोड़ा सा लेट, मतलब 12:30 में कुकिंग करना स्टार्ट किए। आज सिंपल सा लंच मेन्यू है, जैसे एग है, एग करी होगा और ये जो है बॉटल गर्ड दाल जो है मसूर दाल के साथ बॉटल गर्ड बनेगा आज। बस ये सिंपल सा रेसिपी है। और यहाँ पर मेरा ऑयल गर्म हो रहा है और यहाँ पर दूसरा कढ़ाई में भी ऑयल गर्म हो गया ऑलरेडी। तो एक एक करके एग्स डाल देंगे एग्स फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर अनियन डाल देंगे, ये एक करी के लिए रेडी हो रहा है। और बच्चे अभी ऊपर में खेल रहे हैं, मतलब एकदम ऊपर वाला रूम में जिसमें बच्चों का सारा प्लेइंग आइटम्स है, मतलब टॉयज वगैरह जो सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो बच्चे ऊपर वहाँ पर खेल रहे हैं। ये देखिए मसाला अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। अब एग को देखिए इस तरह से काटा गया है, उससे पहले जो टोमेटोज़ है उसको डाल देंगे। एक्चुअली ये जो टोमेटोज़ है ये फ्रोज़न टोमेटोज़ है, इसीलिए ऐसा हो जाता है सॉफ्ट। अब एग्स डाल देंगे एक करके। और आज एग्स इस तरह से बनाए, ऐसे लुक वाइज अच्छा लगता है दिखने में, तो आज इस तरह से रेडी किए। जिसको जितना पीसेस खाने होगा उन लोग खा सकते हैं। ये देखिए रेडी हो गया है। अब बच्चों को फ्रेश करना है, मेरा कुकिंग कंप्लीट हो गया है। जिदान को तो पलट चो, चलो चलो मम्मी, हम लोग को पकड़ना बहुत मुश्किल। कुकिंग के बाद देखिए मेरा बेडशीट चेंज भी हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। अब बच्चों को लंच करवा देंगे क्योंकि ऑलरेडी 2:30 हो रहा है, तो लंच टाइम हो गया है, तो अब बच्चों को लंच करवाना है बस। अब पहले बच्चों को लंच करवाना है। ये रहा एग्स, बच्चों के लिए इतना इनफ है एग्स। और इसका ग्रेवी नहीं लेना क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा तीखा लगता है। इस रूम में खेल रहे हैं तो उन लोगों को अभी लंच करवा देंगे यहीं पर। उन लोग खेलता रहेगा तो लंच करवाने में इजी हो जाएगा। चलो अभी लंच टाइम। की করেছো মাম্মা, এটা সাজিয়েছো? এটা কি করেছো তুমি, সাজিয়েছিলে? এই বাস্কেট থেকে বের করে করে সাজিয়েছিলে?
अच्छा ठीक है, खेला करो। देखिए एक बार वहाँ पर सजा रहा है और उसके बाद देखिए फिर बास्केट में रख रहा है। यस बेटा, लायन এসো এসো, বসো বসো, লঞ্চ করবে এসো। আপনার ভাইজনকে সেল করে দেবো, চলো এসো এবার বসো, দুজন বসো। বসো মাম্মা বসো। देखिए लंच करने के बाद इजान को सुला दिए थे, अभी वो सो रहा है। अगर वो सोया हुआ नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता। उसका भाई अभी पढ़ाई कर रहा है, रुके दिखाते हैं। देखिए जिदान का तबीयत ख़राब है इसीलिए उसको स्कूल भी नहीं भेजे। बट जिदान लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी करता है, बट अभी उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो कर्सिव राइटिंग कर रहा है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ कर रहा है। कोई भी न्यू चीज़ करने में वो कभी पीछे नहीं हटता है, वो बहुत इंटरेस्ट के साथ लिखता है। बट अभी उसको पढ़ाने जाइए बस उसका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आज वो माशाल्लाह पहले ही बोल दिया बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा ना जिदान। yes. आज जिदान अच्छे से पढ़ाई करेगा ना। yes. बदमाशी नहीं होगा ना जिदान का आज। yes. आज उसका अरबी भी मिस हो गया क्योंकि उसका तबीयत ख़राब है, इसीलिए उसको आज अरबी भी नहीं भेजे। और बाहर बारिश भी हो रहा है, बाहर बारिश भी हो रहा है और वेदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी हम लोग रूम में हैं। जिदान का ये लास्ट पेज है ना, और एक पेज बाकी है। तो जिदान का ये लास्ट पेज नहीं है, और एक पेज बाकी है, उसका कर्सिव राइटिंग पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। इवनिंग में जब मेरा ट्यूशन टाइम रहता है तब देखिए इजान अपना टाइम पास करता रहता है इस तरह से। फिर ट्यूशन कंप्लीट होने के बाद आज जिदान के पापा काम से थोड़ा लेट से आएंगे, तो इसीलिए आज हम लोग सोचे मेरी नंद के घर चले जाते हैं, मतलब जिदान और इजान के मुम के घर, और बच्चे यहाँ पर काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में आपके सामने, और आई होप के ये जो मेरा एक्टिविटीज़ है डेली एक्टिविटीज़ आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू।